अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज की ये वीडियो आपके निसाब में शामिल तमाम मसनवियों का अहाता करती है, तो आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। जो बातें आपके लिए नई हों उसे आप नोट कीजिएगा। उम्मीद है तमाम ही सवाल आपके लिए बहुत ही कारामद और मुफीद होंगे। तो हम बिना किसी ताखिर के शुरू करते हैं आज का अपना सबक मसनवी। सवाल नंबर एक, मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है? मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन सिनफ़े सुखन के एतबार से मसनवी की इजाद फ़ारसी में हुई। मसनवी इस तवील नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया जाए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरबी। सवाल नंबर दो, इनमें से किसको बयानिया शायरी के मेराज कहा जाता है? मसनवी के लघु माना दो के हैं, इसको बयानिया शायरी के मेराज भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मसनवी। सवाल नंबर तीन, मसनवी उर्दू में कहाँ से आई है? मसनवी ने उर्दू में फ़ारसी से ही दाखिला लिया है, या यूँ कहें उर्दू ने मसनवी को फ़ारसी से ही मुस्ताल लिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फारसी। सवाल नंबर चार, हाल ही के नज़दीक कौन सी सिनफे सबसे ज़्यादा मुफीद और कारामद है? तो आप जानते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मसनवी। सवाल नंबर पाँच, इनमें रज़मिया मसनवी कौन सी है? ऐसी मसनवी जिसमें जंग का बयान किया जाए, इसे रज़मिया मसनवी कहते हैं। और जिस मसनवी में इश्क व मोहब्बत की बातें की जाएं, उनकी दास्तान बयान की जाए, उसे बज़मिया मसनवी कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अलीनामा। सवाल नंबर छः, मसनवी गुलशन इश्क में किसके इश्क की दास्तान बयान की गई है? मसनवी गुलशन इश्क नुसरत की पहली मसनवी है, जो उन्होंने 1068 हिजरी मुताबिक 1657 ईस्वी में नबी बिन अब्दुल समद की फरमाइश पर लिखी थी। इस मसनवी में कनकगीर के राजा विक्रम के बेटे मनोहर और महाराष्ट्र नगर के राजा धर्मराज की बेटी मदमालती के इश्क की दास्तान बयान की गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुमार मनोहर और मदमालती। सवाल नंबर सात, मोमिन की मसनवी का क्या नाम है? मोमिन खां मोमिन, जिनकी पैदाइश 1800 ईस्वी में हुई और उनका इंतकाल 1852 ईस्वी में हुआ, इन्हें बहुत सारी मसनवियाँ लिखी थी, मसलन शिकायत सितम, किस्साए गम, हुसैन मगमून, असरार इश्क, दास्तान बयान गोई, मसनवी जिहाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मसनवी जिहाद। सवाल नंबर आठ, तारीख़ इस्लाम किस मसनवी का मौसू है? मुसद्दस हाली, जिसको मुसद्दस मद्द जज़र इस्लाम भी कहा जाता है, हाली की तसनीफ है, जो उन्होंने 1879 ईस्वी में लिखी थी। और ये किताब हाली ने अपने मोहसिन सर सैद अहमद खां की फरमाइश पर लिखी थी। ये मसनवी मुसलमानों के उरूज व ज़वाल की दास्तान बयान करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुसद्दस हाली। सवाल नंबर नौ, दर्ज ज़ेल में से तारीखी मसनवी कौन सी है? अलीनामा एक तवील तबाज़ात रज़मिया और तारीखी मसनवी है। इस मसनवी में नुसरत ने अली आदिल शाह सानी के इब्तदाई 10 वर्षों के दौरे हुकूमत के मंजूम किया है। और इस मसनवी में 7 किस्से भी कसीदे भी शामिल हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अलीनामा। सवाल नंबर 10, मसनवी दरियाए इश्क के मुसन्निफ़ कौन हैं? इसके मुसन्निफ़ हैं एक ऐसे शायर जिनकी पैदाइश 1722 ईस्वी में और इंतकाल 1810 ईस्वी में हुआ, जो खुदाए सुखन कहलाए, ना खुदाए सुखन कहलाए। शायरी में 7 दीवान अता किए, जिनमें से 6 उर्दू में और 1 फ़ारसी में हैं। मेरी मुराद है मीर तकी मीर से। इनकी मशहूर मसनवियों में ख्वाबो ख्याल, दरियाए इश्क, मामलाते इश्क, शोलाए इश्क, जोश इश्क, एजाज इश्क, हिकायात इश्क, मोरनामा, साकीनामा, शिकारनामा मशहूर हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मीर तकी मीर। सवाल नंबर 11, सैफुल मलूक बदीउल जमाल नाम की मसनवी किसकी तसनीफ़ है? यह मसनवी 1045 हिजरी मुताबिक 1626 ईस्वी में लिखी गई थी, जो अलिफ लैला की नसीर दास्तान से माखूज है। इस मसनवी में मिस्र के शहजादे सैफुल मलूक और अजन्ना की शहजादी बदीउल जमाल के इश्क की दास्तान बयान की गई है। और इस मसनवी के मुसन्निफ़ है शेख हुसैन बहाउद्दीन गवासी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गवासी।
सवाल नंबर 12, मसनवी दर शहर सूरत किसकी तसनीफ है? वली जिनकी पैदाइश 1668 ईस्वी को हुई और उनका इंतकाल 1720 ईस्वी में हुआ। वली की ये दूसरी मसनवी है दर तारीख शहर सूरत, जिसके अंदर 47 अशार हैं। इस मसनवी में वली में शहर सूरत की तारीफ की ही करते हुए इसे बाबुल मक्का कहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वली औरंगाबादी। सवाल नंबर 13, दखनी उर्दू में रजमिया मसनविया किसने लिखी हैं? अलीनामा जो 1076 ईस्वी मुताबिक 1665 ईस्वी में नुसरती ने लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने एक और मसनवी लिखी थी जिसका नाम है तारीख अस्कंदरी। और ये दोनों ही मसनविया रजमिया मसनविया हैं। अलीनामा जिसके अंदर अली आदिल शाह सानी के शुरू के 10 साल के वाक़ात बयान किए गए, और तारीख अस्कंदरी जिसके अंदर बहलोल खां की जंग के वाक़ात बयान किए गए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नुसरती। सवाल नंबर 14, जेल में से किसने कोई मसनवी नहीं लिखी? आप बखूबी वाकिफ हैं एक ऐसे शायर जो तसव्वुफ़ के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाते हैं। उनकी पैदाइश 1721 ईस्वी में होती है और उनका इंतकाल 1785 ईस्वी में होता है। हमारी मुराद है ऑप्शन ए, ख्वाजा मीर दर्द। सवाल नंबर 15, मसनवी सैफुल मुल्क बदीउ जमाल किस बादशाह के ज़माने हयात में लिखी गई? गवासी अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मुल्क शोरा था जिसने 1626 ईस्वी में ये मसनवी लिखी थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। सवाल नंबर 16, किस मसनवी निगार ने खुद को हीरो के तौर पर पेश किया है? हकीम तसद्दुक हुसैन नवाब मिर्ज़ा शौक ने 1860 और 61 के दरमियान मसनवी जहरे इश्क लिखी थी। ये मसनवी ऐसी पहली मसनवी है जिसके तमाम किरदार ज़मीन पर बसने वाले इंसान हैं। इस मसनवी के अंदर दुनिया की बेसबादी का नक्शा बहुत ही मौसर अंदाज में पेश किया गया है। इस मसनवी में मोहब्बत का इजहार एक लड़की की जानिब से किया जाता है। तो हाल ही ने इस मसनवी को सहरुल बयान से बेहतर करार दिया है। मिर्ज़ा शौक की दूसरी मसनवियाँ हैं फरेबे इश्क, बहारे इश्क, खंजरे इश्क, लज्जत इश्क वगैरह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मिर्ज़ा शौक। सवाल नंबर 17, मसनवी सैफुल मुल्क बदीउ जमाल का किस्सा किससे माखूज़ है? अभी जिक्र हुआ, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अलिफ लैला। सवाल नंबर 18, किस मसनवी में ये ज़ेली उन्वान कायम किया गया है? दुर्वेश और मकाने दुर्वेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुलशन इश्क। ये भी नुसरती की मसनवी है जो उन्होंने 1068 हिजरी मुताबिक 1657 ईस्वी में लिखी थी। सवाल नंबर 19, इनमें से बहर मुतकारे मुसम्मन मकसूर का वजन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फाउलुन 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 फेल। सवाल नंबर 20, नुसरती ने मसनवी गुलशन इश्क किसकी फरमाइश पर लिखी थी? अभी बताया गया कि 1657 ईस्वी की नुसरती की यह तसनीफ़ है जो उन्होंने नबी बिन अब्दुस्समद की फरमाइश पर लिखी थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नबी बिन अब्दुस्समद। सवाल नंबर 21, मसनवी अमन नामा किसकी तख्लीक है? मसनवी अमन नामा तख्लीक है जानिसार अख्तर की। जानिसार अख्तर जिनकी पैदाइश 1914 ईस्वी में और इंतकाल 1976 ईस्वी में हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, जानिसार अख्तर। सवाल नंबर 22, इनमें से कौन सी मसनवी मिर्ज़ा शौक की नहीं है? तो बहारे इश्क इनकी मसनवी है, फरेबे इश्क, जहरे इश्क तमाम इनकी मसनवियाँ हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आज़ारे इश्क। सवाल नंबर 23, मसनवी अली नामा में दक्कन के किस बादशाह के दौर हुकूमत के वाक़ियात बयान किए गए हैं? अभी इस मसनवी के मुताबिक बात हो चुकी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इब्राहिम आदिल शाह सानी। सवाल नंबर 24, मसनवी सैफुल मुल्क बदीउ जमाल का सन तसनीफ़ क्या है? तो इसका सन तसनीफ़ है 1045 हिजरी या 1626 ईस्वी, जो गवासी की मसनवी है। सही जवाब ऑप्शन सी, 1035 हिजरी। सवाल नंबर 25, ख्वाबो ख्याल किसकी मसनवी है? ख्वाबो ख्याल के नाम से प्रेमचंद का एक अफसानी मजमुआ है और मजनून गोरखपुरी के अफसाने का नाम भी ख्वाबो ख्याल है। इसके अलावा ख्वाबो ख्याल के नाम से जो मसनवी लिखी है तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मीर तकी मीर।
सवाल नंबर 26, बोस्तान ख्याल किसकी मसनवी है? बोस्तान ख्याल के नाम से मीर मोहम्मद तकी ख्याल ने एक दास्तान भी लिखी थी, लेकिन मसनवी को इस उनवान से लिखा था ऑप्शन सी सिराज औरंगाबादी ने। सवाल नंबर 27, इनमें से कौन सी मसनवी मीर तकी मीर की नहीं है? दरियाए इश्क, शोलाए इश्क, ख्वाबो ख्याल, ये तीनों मसनवियाँ मीर तकी मीर की हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हंगामाए इश्क। सवाल नंबर 28, किस मसनवी को दखनी जबान का शाहकार कहा करार दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अलीनामा। सवाल नंबर 29, सरापा में जिस जा नज़र कीजिए वहीं उमर अपनी बसर कीजिए, ये शेर किस मसनवी से अक्स किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ख्वाबो ख्याल। सवाल नंबर 30, जहरे इश्क मिर्ज़ा शौक की मसनवी है, तो बताइएगा फरेबे इश्क और लज़्ज़त इश्क किसकी मसनविया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिर्ज़ा शौक। सवाल नंबर 31, मसनवी हश्र बहिश्त किसकी तसनीफ़ है? अब्दुल जिनकी मसनवी का नाम है इब्राहिम नामा, मुकिमी जिनकी मसनवी का नाम है जन चंद्र बदन महयार, मलिक खुशनूत जो गोलकुंडा का हफ्शी गुलाम था, और इसे जहेज में सुल्तान खदीजा सुल्तान के साथ बीजापुर भेजा गया था। यहाँ पर इसने सुल्तान मोहम्मद अली आदिल शाह की फरमाइश पर हश्त बहिश्त का मंजूम तर्जुमा जन्नत सिंगार के नाम से किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मलिक खुशनूर। सवाल नंबर 32, लिख कलम पहले हमद रब्बो वदूद के हर एक जा पे है वही मौजूद, हम के इस शेर से किस मसनवी का आगाज़ होता है? तो इसका आगाज़ होता है हकीम मिर्ज़ा शौक की मसनवी जहरे इश्क से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जहरे इश्क। सवाल नंबर 33, अली सदा जाफरी की नज़्म नई दुनिया को सलाम शायरी की किस हैसियत में रखी जाती है? नई दुनिया को सलाम अली सदा जाफरी की एक तमसीली नज़्म है जो 1947 ईस्वी में शाया हुई थी, लिखी गई थी, और इस नज़्म को लिखने पर 1970 ईस्वी में अली सदा जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मसनवी। सवाल नंबर 34, मौत से किसको रक्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है, ये शेर किस मसनवी से लिया गया है? ये मसनवी मिर्ज़ा शौक ने 1860 और 61 के दरमियान लिखी थी, अभी जिक्र किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जहरे इश्क। सवाल नंबर 35, किस मसनवी के ज़ेली उन्वानात शेर से कायम किए गए हैं? तो ये कायम किए गए हैं एक ऐसी मसनवी से जो 1068 हिजरी मुताबिक 1657 ईस्वी में लिखी गई थी, और इसके मुसन्निफ़ हैं नुसरती। इस मसनवी की एक खूबी यह है कि इसका हर हिस्सा एक शेर से शुरू होता है, और जब इन तमाम हिस्सों के अशार को एक जगह जमा किया जाता है तो ये एक बेहतरीन नज़्म की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और इस नज़्म में इस मसनवी का पूरा मफहूम वाज़ेह हो जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुलशन इश्क। सवाल नंबर 36, वसीयतनामा किसकी मसनवी का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जहरे इश्क, जिसके अंदर इस मसनवी की हीरोइन खुदकुशी करने से पहले अपने आशिक को वसीयत करती है। सवाल नंबर 37, किस मसनवी में हीरोइन खुदकुशी कर लेती है? अभी जिक्र हुआ इसके मुतालिक कि मसनवी जहरे इश्क जिसके हीरोइन का नाम है मैज़बी, मैज़बी जो अपने आशिक, अपने महबूब, अपने शरीक हयात जो बन ना सका कि मोहब्बत में आकर और अपने घर की इज्जत को मलहूज खातिर रखते हुए अपनी जान दे देती है, वो अपने घर की कोठे से नीचे छलांग लगा देती है और इसी हादसे में उसकी मौत हो जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जहरे इश्क। सवाल नंबर 38, जमाने के अंदाज बदले गए नया राग है साज बदले गए, हुआ इस तरह फाश राजे फरंग के हैरत में है शीशा बाज़े फरंग, यह अशार किस सिंफ़ शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं? यह अशार शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल के अशार हैं, और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी मसनवी। मसनवी फ़नी एतबार से जो होती है तो उसका हर शेर अलग काफ़िये में होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मसनवी। सवाल नंबर 39, सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। कुतुब मुश्तरी जिसका किरदार है महताब परी, फूलबन जिसका किरदार है सुमन बर, सहरुल बयान
जिसका किरदार है नजमुन्निसा, गुलजारे नसीम जिसका किरदार है समन परी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 40, गालिब की मसनवी चराग दैर का मंजूम तर्जुमा किसने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अख्तर हसन। इसमें हनीफ नकमिल गलत टाइप हो गया है, इसका सही जवाब है अख्तर हसन। और ये मसनवी उन्होंने 1974 में पहली बार शाया की थी। इस मसनवी का पेश लफ्ज मालिक राम ने लिखा था। अख्तर हसन जिनकी पैदाइश 1737 में और इंतकाल 1786 की ईस्वी के आसपास होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अख्तर हसन। सवाल नंबर 41, जमानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। निज़ाम बेदरी जो बहमनी दौर का शायर है, मुल्ला असदुल्ला वजी जिनके पैदाइश 1566 ईस्वी और इंतकाल 1659 ईस्वी में हुआ, मीर हसन जिनकी पैदाइश 1737 ईस्वी इंतकाल 1786 ईस्वी में हुआ, पंडित दयाशंकर नसीम जिनकी पैदाइश 1811 ईस्वी और इंतकाल 1845 ईस्वी में हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निज़ाम बेदरी, मुल्ला वजी, मीर हसन, दयाशंकर नसीम। सवाल नंबर 42, उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में किसकी तसनीफ़ है? उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में तसनीफ़ है ज्ञान चंद जैन की, और ये जो तसनीफ़ है, ये जो किताब है, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, और साथ ही साथ ये 1929 ईस्वी में शाया हुई थी। और इसके साथ खास बात यह है, ये ज्ञान चंद जैन के डीलिट का मकाला भी है। सही जवाब ऑप्शन बी, ज्ञान चंद जैन। सवाल नंबर 43, जेल में से किस मसनवी गोशोरा और मसनवी की कौन सी तरतीब गलत है? मीर हसन जिनकी मसनवी सहरुल बयान 1784 ईस्वी में लिखी, इकबाल की मसनवी साकिना बिल्कुल दुरुस्त है, हफीज़ जालंधरी की शाहनामा इस्लाम बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जमील मजरई रक्स हयात, ये गलत है। सवाल नंबर 44, मसनवी नौसरहार किस शायर की तसनीफ़ है? मसनवी नौसरहार जो 909 हिजरी मुताबिक 1503 ईस्वी में शाह अशरफ बयाबानी ने लिखी थी। इस मसनवी में वाक़िया करबला और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मौज़ू सुखन बनाया गया है। इनकी दीगर मसनवियाँ हैं लाजिमुल मुक्तदी, वाहिद बारी, किस्सा आखिरुज़्ज़मा वगैरह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अशरफ बयाबानी। सवाल नंबर 45, महाजबी किस मसनवी का किरदार है? अभी से मुतालिक कई सवाल ऊपर आए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जहरे इश्क। सवाल नंबर 46, मसनवी ख्वाबो ख्याल, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग, मसनवी ख्वाबो ख्याल में तिलिस्म अजरामो अजसाम को कौन फतह करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मासुद्दीन। और ये मसनवी एक बहुत ही अच्छी मसनवी है। तो उम्मीद है तमाम सवालात आपको पसंद आएंगे, आपके इम्तहान में आपके लिए मुईन साबित होंगे, मददगार साबित होंगे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके इम्तहान में इसमें से कम 3 सवाल ज़रूर आएंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपसे अलविदा। एक दरख्वास्त, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए आपके तमाम सिलेबस को एक बार नज़रसानी की जाएगी। अल्लाह।